हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान कोश चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट बनाकर आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। यानी कि आप अगर घर बैठे ही ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी होगी, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वेबसाइट पता ही होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट एक कलेक्शन होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो कि सर्वर पे स्टोर्ड होती है। और अब जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। वेबसाइट की कैटेगरी बहुत सारी है, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट हो गई, वहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगा। रेसिपी वेबसाइट हो गई, वहाँ पे रेसिपी मिल जाएगा आपको। वीडियो से रिलेटेड वेबसाइट, जैसे यूट्यूब हो गया, वो भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाते हैं। साथ ही बहुत सारे और भी गेमिंग वेबसाइट, वहाँ पे गेम डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं। सॉन्ग की वेबसाइट होती है, जहाँ पे आप सॉन्ग्स मूवीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वो वेबसाइट होती है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉलेज है, जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई वेबसाइट भी आपको मिल जाती है। तो ये सारी वेबसाइट की कैटेगरी होती है, और हर एक वेबसाइट अपने अपने तरीके से बनाया जाता है। उसको डिज़ाइन किया जाता है और उस पर इंफॉर्मेशन डाली जाती है, उसको सर्वर पे अपलोड किया जाता है। तो ये जो वेबसाइट होती है, आप खुद का अपना वेबसाइट बना के उससे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको वेबसाइट दो तरीके का होता है, एक होता है फ्री, एक होता है पेड। तो फ्री के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है फ्री जो चीज़ होती है वो सक्सेस नहीं हो पाता वहाँ पे, और हर चीज़ लिमिटेड वहाँ पे हो जाती है। तो फ्री वेबसाइट की बात आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि उससे अर्निंग नहीं होगी आपको। होगी भी तो बहुत लॉन्ग टाइम में होती है, और वो आपका आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता है फ्री वेबसाइट पे। तो सबसे बढ़िया है कि जब आप बिजनेस कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, और वेबसाइट पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। वेबसाइट के लिए आपको दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। अगर है तो फिर आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, बस। इसके अलावा अब थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए, वो सबको आती है, तो वो मैं बाद में आपको आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो इसमें क्या है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है प्लस इंटरनेट है, तो आप एक वेबसाइट ओनर बन सकते हैं। और वेबसाइट ओनर बनने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, बहुत कम खर्चा आता है। आजकल होस्टिंग सर्विसेज बहुत चीप आ गई है मार्केट में। तो सबसे पहले आपको एक होस्टिंग लेनी है, 1 साल का एक आपको होस्टिंग स्पेस लेना है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो होगी वो अपलोड होगी। उसको बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग प्लान आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, डिफरेंट तरीके का होता है, वो आपको मिल जाएगा। और वो आपको परचेज कर लेना है 1 साल के लिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 साल के लिए लेना है। उसके बाद आपको एक डोमेन नेम लेना है, जो वेबसाइट का आपका नाम होगा, .com डोमेन नेम लेना है। डोमेन नेम में भी बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे .org है, .info है, .in है, वो सब नहीं लेना है आपको। आपको .com लेना है, क्योंकि .com जो होता है एक्सटेंशन डोमेन का, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, और उससे एक अलग वो मार्केट में ज़्यादा उसका चल पाता है कि .com करके कोई वेबसाइट है तो उसका ज़्यादा वैल्यू होती है मार्केट में। तो आप .com वाली कोई डोमेन ले लीजिए, 1 साल के लिए उसकी भी वैलिडिटी होगी, 1 साल का डोमेन ले लीजिए। डोमेन नेम का आपका प्राइस वही 500, 550, 600 के आसपास आता है 1 साल का। होस्टिंग का आप स्टार्टअप अभी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है आपको, आपको 10 GB, 20 GB या 50 GB तक का प्लान लेना है। और जो शेयर्ड होस्टिंग होती है वो लेना है आपको, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा। 1 ईयर का बहुत चीप आ गया है, बट एवरेज में बताया तो आपको 3,000 से लेके 3,500 तक का आपको आ जाता है 1 साल का होस्टिंग, अच्छी कंपनी से। अच्छी सर्वर स्पीड भी होगी, सब कुछ होगा। होस्टिंग ले लिया आपने, डोमेन ले लिया, अब तीसरा काम है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग पे थोड़ा सा खर्च आता है। अगर आप बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लुक चाहते हैं तो आप किसी डिजाइनर से डिजाइन करवा लीजिए वेबसाइट, वो भी गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी वेब डिजाइनिंग के लिए। वो आपको 6-7 हज़ार रुपये वो भी लेंगे वेबसाइट डिजाइन करने का। अदरवाइज अगर जैसे ब्लॉग स्पॉट पे आप वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप खुद से ही, माफी चाहूँगा, ब्लॉग स्पॉट नहीं, ब्लॉगर, तो ब्लॉगर पे जैसे आप बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाता है। इसके अलावा जैसे वर्डप्रेस पे आप बनाना चाह रहे हैं तो वर्डप्रेस पे आप खुद से ही उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। वर्डप्रेस प्लगइन्स होते हैं वो, उस पर भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। तो वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत ईजी होता है, उसमें आपको डिज़ाइन भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही इंस्टॉल कर लेंगे, और सारा कुछ टेम्पलेट वगैरह सब ऑलरेडी उस पर आ जाता है। प्लगइन वगैरह आप खुद से ही इंस्टॉल कर सकते हैं, धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाएंगे।
जब आपका वेबसाइट बन जाता है उसके बाद आपको आती है कि वेबसाइट जो हमने बनाया उससे अर्निंग कैसे होगी। तो वेबसाइट से अर्निंग आपको नेक्स्ट डे ही नहीं आएगी, किसी भी बिजनेस को एकदम लाइन पे आने में उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, उसी तरीके से वेबसाइट से भी अर्निंग आने में आपको टाइम लग गया, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1.5 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको अच्छी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। आपको डेली वाइज मेहनत करना है, वेबसाइट पे काम करना है, जिस कैटेगरी का वेबसाइट आप बना रहे हैं उस पे आपको काम करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि वेबसाइट आप कैसी वेबसाइट बनाएं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि वेबसाइट बहुत सारी टाइप की होती है, डाउनलोडिंग वेबसाइट है, आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपका न्यूज़ वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट है, वीडियो वाली वेबसाइट है, सर्च इंजन है जैसे Google.com, Yahoo.com, ये सब क्या है, ये भी वेबसाइट ही है, इसको हम सर्च इंजन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्च करके हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट है वेबसाइट ही। तो इस तरह की वेबसाइट भी आप बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए सबसे अच्छा जो अर्निंग का सोर्स आपके लिए रहेगा वो रहेगा ब्लॉगिंग वेबसाइट। जिस फील्ड में आपको नॉलेज है उससे जुड़ा हुआ आप वेबसाइट बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको नॉलेज भी है कि आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप सिखा सकते हैं लोगों को, आपको पता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, तो उस पर आप वेबसाइट बना लीजिए, उसको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बन जाएगी। उस पर आपको लिखना है, जस्ट आर्टिकल लिखना है, आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो हिंदी ट्रांसलेटर जो गूगल का आता है उससे आप ट्रांसलेट करके हिंदी फॉन्ट में वो आ जाता है, वहाँ से भी लिख सकते हैं। इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है तो इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं। तो मैं अभी ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं तो उससे अर्निंग कैसे होगी, अर्निंग का मेथड सेम है चाहे कोई भी वेबसाइट बनाए। अर्निंग के लिए मैं बताता हूँ क्या क्या सोच। तो पहले तो आपने वेबसाइट बना लिया, उस पर रेगुलरली काम करना है आपको, अभी आपको अर्निंग का नहीं सोचना है, आपको 3 महीने कंटिन्यूस उस पर वर्क करना है और रिसर्च करके न्यू न्यू कंटेंट डालना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है, अपना जो आपको नॉलेज है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं वही चीज़ उस पर डालना है ब्लॉगिंग वेबसाइट पे। वैसे ही अगर आप डाउनलोडिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर ऐसे कंटेंट डालिए जो अदर वेबसाइट पे नहीं है या फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो वो वेबसाइट वो चीज़ वहाँ पर डालिए। कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी और का कॉपी करके आपको नहीं डालना है। इसी तरीके से हर वेबसाइट पे आपको काम करना है जो भी आप कैटेगरी चुनते हैं। देन 3 महीने के बाद जब देखेंगे धीरे धीरे आपका विजिटर आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ उसके लिए SEO वगैरह करवाना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी नहीं करना है, वो सब बिगिनर के लिए नहीं, वो सब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता है SEO। तो मैं बाद में उसके बारे में भी बताऊंगा कि SEO कैसे की जाती है, आप खुद से भी SEO कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कोई SEO पे काम नहीं करना है, आपको जस्ट अपना कंटेंट लिखना है, उस पर पोस्ट करना है रेगुलरली और पोस्ट करते रहना है। धीरे धीरे आपको उस पर दिखेगा कि आपका विजिटर आ रहा है, धीरे धीरे विजिटर गेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अर्निंग के बारे की। वेबसाइट आपने बना लिया, होस्टिंग ले लिया, सब कुछ डिजाइन विजाइन सब कर लिया, आपने 3 महीने काम भी कर लिया, अब विजिटर भी आपके पास आ रहे हैं। अब अर्निंग के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है एडवर्टाइजिंग कंपनी को अप्रोच करना है, यानी जो पब्लिशर के लिए जो एड्स देते हैं उसको आपको अप्रोच करना है। उसमें सबसे बेस्ट है गूगल एडसेंस, जिससे आप अब उसके ऐड आपके वेबसाइट पे आएंगे और जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपका वेबसाइट रिव्यू हो जाता है, फिर वो आपको अप्रूवल दे देंगे, वहाँ से आपको ऐड कोड मिल जाएगा और वो ऐड जो है आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे लग जाएगा, देन आपकी अर्निंग शुरू उसी दिन से। तो ऐड से ही इनकम होती है, वेबसाइट की जो मोस्टली इनकम है 90% इनकम ऐड से होती है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप वगैरह से भी अर्निंग होती है वेबसाइट पे, जैसे कि यूट्यूब पे भी होता है। तो जिस दिन से आपके वेबसाइट पे ऐड आने लगे समझिए कि उस दिन से आपकी अर्निंग शुरू हो गई, बस आपको लगातार मेहनत करते जाना है इसी तरीके से वेबसाइट पे। डिटेल में वीडियो मैं इस पर फिर कभी और बताऊंगा, तब तक के लिए मैं ये वीडियो जो मैंने आपको बताया इस पर आप काम करिए शुरू, और गारंटीड आपको 3 मंथ्स के अंदर अगर आप अच्छा वेबसाइट बनाते हैं और अच्छे से काम करते हैं तो आपको घर बैठे ही ऑनलाइन अर्निंग होना शुरू हो जाएगी वेबसाइट से। तो वेबसाइट से इसी तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, अर्निंग होती है। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो यूजफुल अगर लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो, अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो आप चाह रहे हैं तो उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।